मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना, ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है। और उसके बगैर न ही हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं, मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई, आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत, मुझे ये बताए जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा या नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपके जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे, मगर आपने सुना नहीं। जरा बताइए आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं, आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा बाकी जाए फाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है, आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3,000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, पर हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छोड़े रहे, मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था, ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी,
उसने कहा आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान होता। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा वो जानता है। कि कहां पहुंच गए हम जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन नहीं। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमे कहां गए, तुम्हारे गांव में नहीं गए, पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल दे, अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है वो कोई भी चीज सच्ची बयान करें, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड था क्योंकि वो सच लिखता था। उसने दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है, देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए, अगर कोई अखबार ये लिखेगा उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। ये है वो हिंदुस्तान नहीं, मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे। मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे, इमरजेंसी का जमाना आया। नाश करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झूठ नहीं लिखा, सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसने लगा दी मगर सर नहीं झुकाए। वो थे हमारे। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सकता। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे, अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वह खुल्लम खुल्ला लिखे। और मैं अल्लाह से यही कहता हूं तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से जब तक मैं वो नहीं देखूं कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने लिख सके।